तो देखिए, आज संडे है, फुर्सत का टाइम था। मैं भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, देर से जगा था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए दे दें। आज हमारा जो वीडियो होगा वो दोस्तों ये होगा कि जो हमारे छोटे छोटे घर हैं, हम छोटे गमलों में, 4 से 6 इंच के गमलों में हम ऐसे कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं जो हमारे घर को भी महकाएंगे। हमारे घर को महकाने से मेरा मतलब है खुशबू से नहीं है दोस्तों, जो हरियाली भी पूरी मेरे घर में बनी रहेगी, हमें ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी, और हमें जो है ना मेरा घर का कोना भी महकता रहेगा और सुंदर लगता रहेगा। मैं बार बार महकता इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हम सुंदरता लगने से हम थोड़ा महकना अच्छे खुशबूदार सजावट वाले पौधों के बारे में बात करते हैं। तो आज हम वन बाई कुछ प्लांट्स लेते हैं, जो हमको करीब 13-14 प्लांट हम ऐसे हैं जो हम आपको बताएंगे। अगर आपको नाम ध्यान ना रहे तो प्लीज़ जो है ना आप कलम पेंसिल लेके नाम नोट कर लीजिए, और जब भी जो जिनके घर में छोटी छोटी जगह है, जहाँ पर बालकनी छोटी छोटी हैं, घर छोटे छोटे हैं, जहाँ पे कमरे हैं, वहाँ पर भी अपने छोटे से घर को ही पौधों से सजा सकते हैं। तो कौन से पौधे हमको लेना है, तो आज हम वो महत्वपूर्ण पौधे लेते हैं। हमें कौन कौन से, देखिए मैं ये देखिए, ऐसा प्लांट है, मनी प्लांट है, सभी लोगों के घर में होगा, बहुत इजीली मिल जाता है। ये जो प्लांट है इतने आप समझ लीजिए मेंटेनेंस फ्री हैं। अगर पानी डालना भूल गए कोई बात नहीं, खाद डालना भूल गए कोई बात नहीं, धूप नहीं मिल रही है कोई बात नहीं दोस्तों, और हमारी बॉडी के लिए इतने, हेल्थ के लिए इतने बेनिफिट है, इससे अच्छा और क्या होगा इस तरह के प्लांट्स। तो देखिए पहले नंबर पे जो हम जगह देंगे अपने प्लांट्स को, वो दोस्तों हमारा होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट सभी लोग जानते हैं और सभी के घरों में ये लग सकता है, किसी भी सीजन में हो, किसी भी मौसम में ये चल सकता है। इसका हम देखिए दूसरा प्लांट लेते हैं जो बहुत अच्छा चलता है, वो देखिए हमारा ये स्पाइडर प्लांट्स है। एक बार आप ले लीजिए, इसके बाद जो देख रहे हैं ये देखिए इसमें बेबी शूट्स निकल रहे हैं। मौसम बहुत गर्म है इस समय हमारे ईस्टर्न यूपी का, तो मौसम बहुत गर्म की वजह से जो है ना प्लांट, फिर भी मैं किस तरह से इनको बचा रहा हूँ वो मैं छाया में रख के बचा रहा हूँ। तो दूसरे नंबर का हमने देखिए ये स्पाइडर प्लांट लिया है। अब हम दोस्तों इसका जो तीसरे नंबर का बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा अच्छा प्लांट होता, बहुत हार्डी प्लांट होता, बिल्कुल हमारे में मनी प्लांट की टक्कर का होता है, इसको हम लोग एरो हेड बोलते हैं, इसको हम लोग सिंगोनियम बोलते हैं। ये देखिए ये दोस्तों इतना अच्छा प्लांट होता है, एक बार आप लगा लीजिए, नीचे से देखिए प्रोपोगेट हो रहा है, ये देखिए रूट्स आ रहा है, इस रूट से यहाँ से कट करके डायरेक्ट जो है ना आप इसको मिट्टी में लगा लेंगे तो वहीं से डेवलप हो जाता है। दोस्तों ये पानी में भी डेवलप होता है, हमारा मनी प्लांट भी पानी में डेवलप हो जाता है। तो एक बार आप ले लोगे तो आपका सालों साल जो है ना आपका ये चलता है। अब हम इसी सीरीज में जो है ना एक और महत्वपूर्ण प्लांट लेते हैं, ये देखिए ये कितने छोटे छोटे गमले में, आप देखिए 3 इंच का गमला होगा, मैं जितने भी दिखा रहे सारे के सारे 3 इंच के गमले में ये आ जाते हैं। तो हम ये चौथा प्लांट ले रहे हैं आपको जो है ना, ये देखिए कितना बढ़िया, सन्सवेरिया ड्वार्फ, इसको दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, इसको कई नामों से जाना जाता है। ये प्लांट्स में देखिए इसको हम नागराज भी बोलते हैं, इसको हम सन्सवेरिया ड्वार्फ भी बोलते हैं, इसको हम कई नामों से ये जाना जाता है, और सभी के सभी ये प्लांट्स हैं ना वो काफ़ी लकी माने जाते हैं, काफ़ी लकी साबित होते हैं। तो इसी में इसको आप छोटे छोटे गमले में लगाइए, एक बार लगा लोगे ना देखिए बेबी सूट निकल रहा है, अभी थोड़े दिन के बाद जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो इसका एक प्लांट और तैयार हो जाएगा। इसी का मेरा देखिए दूसरा इधर रखा हुआ है, हम आपको दिखाने, इसकी देखिए ये वेरीगेटेड वेराइटी का है, ये दूसरे तरह का है, तो इसमें कई वेराइटीज़ आते हैं, कई इस तरह के आते हैं, कितना अच्छा खूबसूरत लस ग्रीनेस लिए हुआ है। तो ये अब हम इसी के सिलसिले में एक दूसरा प्लांट और लेते हैं दोस्तों। इसके बाद ये देखिए आपके घरों में जो है ना ये एलोवेरा वार्विडेंसिस मुलर इसको बोलते हैं, छोटे से देखिए हमारे 3 इंच के गमले में लगा हुआ और काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये जो है ना जो प्लांट है काफ़ी हार्डी होता है, एक बार आप लगा लीजिए, इसी में से बेबी सूट्स निकलते रहते हैं जो कई प्लांटों को डेवलप कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण प्लांट लेते हैं, ये देखिए हमारा ये जेड प्लांट है, बेसिकली ये आउटडोर रहता है, इसको इनडोर कुछ दिन के लिए रख सकते हैं लेकिन ये आउटडोर रहता है।
ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं, मैंने छोटे छोटे कटिंग को जो है ना, कई कटिंग को एक साथ लगा दिया और देखिए कितनी टोपी आरी बन गई, कितनी अच्छी इसकी हैज बन के तैयार हुए। तो इसको कई शेप और साइज में आप बना सकते हैं कटिंग करके और लगा सकते हैं। एक बार अगर आपने ये ले लिया तो ये सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसमें भी आप देख रही है कितना लस है, कितना ग्रीनेस है। आप अपनी टेबल पे कहीं पर भी सजाएंगे, कॉर्नर पर सजाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत चलता है। इसी में देखिए मैं एक और देखिए थोड़ा सा महंगा प्लांट है इसके मेरे पास, ये इसका देखिए, ये जो हमारा प्लांट है, मैंने जो हमारा मदर प्लांट है वो है, इससे मैंने करीब 10-12 प्लांट बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों जीजी प्लांट है, इसी का जीजी प्लांट, दूसरे कलर का ब्लैक वो रखा हुआ है। तो इसको भी हम जो है ना अपने गार्डन में, अपने घर में जगह देंगे। ये भी दोस्तों 100% इंडोर प्लांट्स होता है, इसको महीनों जो है ना आप अंदर रखे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार आप ले लीजिए, पर उसके बाद दोस्तों इसकी पत्ती काट के लगा देते हैं वो भी लग जाता है। हमारा जो सेंसवेरिया ड्वार्फ है, इसकी पत्ती काट के लगा दे, पत्ती भी पानी में ग्रो हो जाती है। इसकी जो है ना रूट्स जो है ना नहीं भी होती, खाली हम इसकी स्टेम लगा देंगे वो भी हमारी डेवलप हो जाती है। इसकी हम जो है ना कटिंग लगा देते हैं, ये भी डेवलप हो जाती है। स्पाइडर की जो है ना नीचे नीचे से कई जो है ना देखिए बेबी सूट्स निकलते हैं। तो ये जितने भी प्लांट हैं आप देखिए सिंगोनिया में, इसको भी दोस्तों बहुत इजीली हम प्रोपोगेट कर लेते हैं। हमारा मनी प्लांट आप देख रहे हैं, ये मनी प्लांट, इसको भी हम प्रोपोगेट कर लेते हैं। तो ये जितने भी प्लांट आप जितने भी आप देख रहे हैं, सभी के सभी को बड़ा इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसी के में सिलसिले में देखिए मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया लूँगा, देखिए पास से दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पास प्लांट था, इसको मैंने कम से कम 10-12 प्लांट्स और बना लिए। तो इसको जो हमने नेक्स्ट जो पॉइंट लेंगे ना, वो ऐसा 7वें 8वें नंबर पर हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये भी बहुत बहुत अच्छा दोस्तों चलता है, एक बार लगा लीजिए बस महकता रहेगा। इसी सिलसिले में मैं एक देखिए आपको एक प्लांट दिखाता हूँ जो और इसको रोहियो बोलते हैं, इसको बोट लिली भी बोलते हैं, और इसको जो है ना हम लोग जो ऑयस्टर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा मैं पास से दिखाऊंगा साइड से। ये देखिए मुश्किल से 3 इंच के गमले में लगा हुआ है, कितना छोटा प्लांट है और बहुत घना भूसी चलता है। इसका मेरा देखिए सामने भी रखा हुआ है ये। अब हम इसके सिलसिले में दूसरा जो पॉइंट लेते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कितना छोटा सा प्लांट है ये। ये देखिए हमारा जो है ना काफ़ी देखिए पत्तियाँ इसकी, चूँकि इसका थोड़ा सा वीक इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है, पानी की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाने से अभी ये गर्मी की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो ये जो है ना बेसिकली थाईलैंड में बहुत पाया जाता है, ये भगवान बुद्ध के पास जो विहार होते हैं वहाँ पर रखा रहता है। तो इसका नाम भी दोस्तों देख लीजिए, आप जान लीजिए, इसको एलोकेसिया क्यूकिलेटा बोलते हैं ये। अब हम इसी श्रेणी में जो नेक्स्ट प्लांट दोस्तों लेते हैं वो हम देखते हैं, हम पास से दिखाएंगे। ये गर्मी की वजह से देखिए झुलस गया है, इसको जो है ना देखिए कितना खूबसूरत है। ये भी प्लांट जो है ना आप उसी छोटे से गमले में, क्योंकि ये बड़ा गमला देख रहा है, इसमें मैंने अंदर ये प्लांटर है उसके अंदर मैंने लगा रखा छोटा सा गमला। इधर देखिए हम पार्लर पाम दिखाएंगे आपको, देखिए मुश्किल से 5 इंच के गमले में होगा और कितना अच्छा हमारा ये चल रहा। इधर हम फाइकस का दिखाएंगे, देखिए फाइकस का भी देखिए कितना छोटे से उसमें चल रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में चलते हैं। इधर देखिए जो हमारे इतने छोटे गमले में भी जो है ना हमारे पौधे चलते हैं, क्योंकि अभी गर्मी है, ख़राब हो गया है इस वजह से ये नहीं, तो इतना खूबसूरत ये जो है ना फाउंटेन की तरह से हमारा ये प्लांट था। और इसी में जो है ना हम कुछ जो है ना अभी एक प्लांट आपको दिखा रहे हैं जो इसी में डबल बैकबोन भी है, इसी में हमारा क्रोटन के भी ब्रांचेज हैं, इसी में जो है ना फिलोडेंड्रॉन के भी हैं। तो इस तरह के जो है ना हमारे कई प्लांट्स जो है ना छोटे से छोटे गमले में हम चला सकते हैं। मनी प्लांट की तो मैं कितनी तारीफ करें, आप जितने भी प्लांट हैं, अभी बरसात आ रही है तो बरसात में मनी प्लांट को आप कई तरह से डेवलप कर सकते हैं और छोटे छोटे गमलों में जो है ना लगा के कई डेवलप कर सकते हैं और उनको जो है ना अपना जैसे स्टडी टेबल है आपका वहाँ रख सकते हैं, आपका बैठक है वहाँ रख सकते हैं, इस तरह का आप डेवलप करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट मैं और आपकी बता रहा हूँ, जैसे हमारे ये जितने भी इंडोर प्लांट्स आप देख रहे हैं इनका रोल वही होता है कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिट देते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ।
और इसकी जो हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं वो काफ़ी वेल डनेन बनाते हैं। इसको विशेष ध्यान पड़ेगा, नीचे से जो होल होता है वो प्रॉपर खुला होना चाहिए। हम यहाँ से पानी डालेंगे तो दोस्तों पानी को जो पास आउट होना चाहिए, अदरवाइज जो है ना आपके प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे इंडोर प्लांट्स के ऊपर जो मैंने आपको बताया, डिस्क्राइब किया है। और अगर फिर भी और ज़्यादा कुछ प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो उसमें कुछ काफ़ी जो कैलेथिया का प्लांट है, कैलेथिया बहुत अच्छा था आता है, जो काफ़ी अच्छा मतलब हमें लुक देता है, पर ये थोड़े थोड़े से महंगे प्लांट्स हैं। ये जितने भी हमने प्लांट्स बताए हैं ये दोस्तों ज़्यादातर जो है ना 50-60 की रेंज में है। बस एक हमारा प्लांट है जो 150-200 की रेंज में है, बाकी सभी के प्लांट्स जो है ना काफ़ी सस्ते हैं और हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे नए गार्डनर हैं वो जो है ना इन छोटे छोटे प्लांटों को लेके गार्डन शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे घरों को सजा सकते हैं ऑर्नामेंटल के रूप में। तो आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं सभी के सभी ऑर्नामेंटल हैं, आप इनको लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, हम जो है ना छोटी सी छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स को कैसे लगाएँ, कैसे सजाएँ, तो उसके सिलसिले में मैंने आपको ये वीडियो दिया है। आप इसको देखिए, समझिए, और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों मेरा फेसबुक पर भी पेज है सम्यक टेरेस गार्डनिंग के लिए, मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है सम्यक टेरेस गार्डनिंग के लिए, और हमारा यूट्यूब पर भी सम्यक टेरेस गार्डनिंग के लिए। तो आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से डिफरेंट टाइप की वीडियो, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बस दोस्तों यही आज हम आपको कुछ बातें शेयर करना चाहते थे, तो मैंने सब जो है ना बातें आपको शेयर की हैं। अब हम वीडियो करते हैं बंद। सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।